हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी अपनी सेफ्टी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड मार्किंग्स। तो आज के इस वीडियो में हम रोड मार्किंग के बारे में जानेंगे। हमने ऑलरेडी पहले इससे पहले लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग, ट्रांसवर्स मार्किंग एंड हैजर्ड मार्किंग के बारे में डिस्कस कर लिया, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लॉक मार्किंग्स के बारे में, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ब्लॉक मार्किंग बेसिकली सिक्स टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ट्राइंगुलर ब्लॉक, चेकर ब्लॉक, उसके बाद बॉक्स मार्किंग, GPS सिंबल एंड साइकिल सिंबल। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक का यूज कहाँ होगा? आप देखते होंगे रोड में जब जो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग रहता है, जिसको हम जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, तो उस पर ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका नाम ही है रेक्टेंगुलर। देखो रेक्टेंगल का बना हुआ है ये, काफ़ी सारे रेक्टेंगुलर बन के एक जेब्रा क्रॉसिंग बनता है, तो इसका यूज यहाँ पे किया जाता है। अब देखते हैं ट्रायंगुलर ब्लॉक का यूज कहाँ करते हैं। ट्रायंगुलर ब्लॉक का यूज बेसिकली हम जो स्पीड ब्रेकर होता है, स्पीड ब्रेकर वो है जो स्पीड को कम करने के लिए रोड पे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उस पर ये मार्किंग किया जाएगा स्पीड ब्रेकर पे। अब जैसे यही देख लो आप, इस स्पीड ब्रेकर की क्या है, मार्किंग गलत है, इसकी मार्किंग इस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, तो उस पर हम ट्रायंगुलर ब्लॉक का यूज करते हैं। अब चेकर ब्लॉक क्या होता है वो देखते हैं। ये देखो चेकर ब्लॉक, इस टाइप से कुछ मार्किंग हुआ जो चेकर ब्लॉक इसको बोलते हैं नाम। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज भी हम स्पीड ब्रेकर में ही करते हैं। अब जैसे पिछले सेक्शन में आपने देखा जो ट्रायंगुलर ब्लॉक, उसका यूज भी हम स्पीड ब्रेकर में करते हैं, चेकर ब्लॉक मतलब, तो दोनों को मिला के स्पीड ब्रेकर में इस टाइप के मार्किंग किया जाता है, इसको बोलते हैं चेकर ब्लॉक मार्किंग। अब देखते हैं बॉक्स मार्किंग का यूज हम कहाँ करते हैं। बॉक्स मार्किंग का यूज हम जितने भी जंक्शन है वहाँ पे हम बॉक्स मार्किंग का यूज करते हैं। इसका मतलब ये करता है, ये मैसेज देता है कि आपको कोई भी व्हीकल आके यहाँ रोकना नहीं है, आपको या तो आप सीधे जा रहे हो तो सीधे निकल जाओ, या लेफ्ट मोड़ना है तो लेफ्ट निकल जाओ, या इधर आ रहे तो इधर आ जाओ, मतलब आपको यहाँ किसी भी हाल में रुकना नहीं है। ठीक है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। अब देखते हैं गिवे सिंबल क्या होता है। गिवे सिंबल ट्राइंगुलर आकार का होता है जो साइड रोड में मेंशन होता है। जैसे ये मेन कैरिज वे है, कोई साइड रोड जा करके वहाँ मीट हो रहा है, तो वहाँ पे जो साइड रोड है वहाँ पे ये इस मार्किंग का यूज किया जाता है। इस मार्किंग का ये है जो पहले आप इस वाले रोड में जो कैरेज ये जा रही है, ट्रैफिक जा रही है, उसको पहले प्रायोरिटी दो, फिर जा करके आप एंटर करो, मतलब पहले गिव वे उसको दो, फिर आप जाओ। तो आप बेसिकली इसको आप कहाँ देख सकते हैं, जो साइड रोड होता है वहाँ पे ये प्लेस्ड किया जाता है। अब देख लेते हैं साइकिल सिंबल। साइकिल सिंबल क्या होता है, जब आप रोड पे चलते हो तो आप कई बार आप देखते हो कि बेसिकली जो अर्बन एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है कि ये इस टाइप का साइकिल सिंबल बना हुआ रहता है। इसका मतलब है क्या, ये साइकिल लेन है, ये जो जो साइकिलिस्ट होते हैं उनके लिए ये लेन बनाया गया है, वो इस पर चल सकते हैं। तो जैसे आप इस पर ही देखते हो, इस वाले फिगर पे ये कोई ट्रैफिक आ रही है, यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है जो आप उधर नहीं जाओ, ये साइकिल लेन है, ये साइकिल वाले जो साइकिल साइकिलिस्ट हैं उसके लिए ये बनाया गया है, आपको इस वाले लेन पे चलना है अपने वाले चल के। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैं इस टाइप की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।